नमस्ते, मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल उषा तनेजा उत्सव पर। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ गोंद कतीरा के फायदे। गोंद कतीरा के फायदे जानने से पहले जरूरी है कि हम ये समझ लें कि गोंद कतीरा और गोंद में फर्क क्या होता है। अगर आपने इस सब्जेक्ट पर मेरी वीडियो पहले नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इवन कि डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि गोंद कतीरा और गोंद एक ही होती है, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं और दोनों की तासीर अलग अलग होती है, दोनों के फायदे भी अलग अलग होते हैं। इसीलिए पहले आप उस वीडियो को देख लिए, जान लें कि गोंद कतीरा और गोंद में क्या फर्क होता है। तो आइए जानते हैं गोंद कतीरा के फायदे क्या क्या हैं। प्रकृति ने हमें बहुत सारी नियामतें बख्शी हैं, उन नियामतों में औषधीय गुणों का भंडार है ये आयुर्वेद। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हमारे स्वास्थ्य को बहुत जल्दी ही और बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थ कर देती हैं, हमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं लगती है। उसके लिए एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें से एक नियामत है गोंद कतीरा। ये वृक्षों पर उगता है, उगता नहीं है, कट लगाकर उसमें से जो रस निकलता है उसको सुखाकर गोंद कतीरा बनाया जाता है। आइए जानते हैं उसके क्या-क्या फायदे हैं। बहुत गोंद कतीरा महिलाओं व पुरुषों दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, उनकी इंटरनल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, उनकी अंतरंग संबंधों के लिए और गुप्त रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे जो महिलाओं के गुप्त रोग होते हैं या पुरुषों के गुप्त रोग होते हैं, जो खुलकर किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, वो ज़रा इसको ध्यान से यूज़ करें, और किसी चिकित्सक की परामर्श लेनी पड़े तो ज़रूर लें, उसके बाद ही इसको प्रयोग करें। और यह जो है महिलाओं के लिए, महिलाओं की कमजोरी के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत फायदेमंद होता है। जिनको जरूर जल्दी ही एनर्जी ख़त्म हो जाती है वो इसके लिए बहुत फायदा करता है गोंद कतीरा। और ये इसके बाद यह पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छा है, पेट को ठंडा रखता है, पेट को शांत रखता है, गड़बड़ियाँ दूर करता है और कब्ज़ की समस्या से राहत दिलाता है। इससे पेट बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाता है। इसके बाद महिलाओं के, जिनकी वृद्धि सही नहीं हो पाती है, जिनके वक्षस्थल पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं, इसके प्रयोग से उनके वक्ष के में वृद्धि हो जाती है और वो बहुत सुंदर दिखती हैं। और महिलाओं के, पुरुषों के वजन को कम करने में बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि इसके खाने से पेट भरा भरा रहता है और वो सारा दिन जो है खाने का काम ही नहीं करते रहते, जिससे उनका पेट बढ़ जाए, वो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों के मूत्र में जलन होती है या पैरों में जलन होती है, वो इसके प्रयोग से इस जलन को बहुत कम कर सकते हैं, वो जलन शांत हो जाती है। और ये धूप में लू लगने से भी बचाता है। अगर बाहर निकलते हैं, बहुत तेज़ लू लगती है, धूप लगती है, तो प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, वो बहुत ज़्यादा पानी पीते रहते हैं। अगर वो गोंद कतीरा का सेवन करते हैं तो वो ये लू से और जलन से, गर्मी से बच सकते हैं। ये खून को गाढ़ा करने में मदद करता है, जिनके खून बहना लगता है तो बहता ही जाता है, तो यह खून को गाढ़ा करने में भी बहुत मदद करता है, उनके क्लॉट्स जल्दी बन जाते हैं। पुरुषों में शीघ्र पतन की समस्या को दूर करके मर्दानी ताकत को बढ़ाता है। इस तरह की कोई समस्या हो तो वैद्य की परामर्श जरूर ले लेना चाहिए, और यह खुशहाल जीवन जीने के लिए एक टॉनिक का काम करता है, इसलिए इसका प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए, लेकिन करते रहना चाहिए। इसके बाद इसके जो है ब्लॉग आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैंने इसका लिंक नीचे दे दिया है। तो ये थे गोंद कतीरा के फायदे, और आपको अगर गोंद कतीरा की रेसिपीज अगर चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो बताऊंगी कि गोंद कतीरा की रेसिपीज कैसे बनाई जा सकती हैं और उसको कैसे कंज्यूम किया जा सकता है, किस किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि ये तासीर में ठंडा होता है और ठंडी चीज़ों के साथ ही इसको खाना होता है और गर्मियों में ही खाना होता है। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।